Hello class 10th. Today we are going to start activity 1.3. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to it. देखो ये आपने लिए conical flask. It is a conical flask. कोन की शेप में हल्की सी इसलिए इसको conical flask बोलते हैं. इसमें आपने zinc granules लिए हैं. देखो zinc के मोटे मोटे pieces हैं इसलिए इनको granules बोलते हैं. अगर बिल्कुल बारीक पाउडर लोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी. इसलिए आपको जिंक के लार्ज पीसेस लेने पड़ेंगे, ग्रैनुल्स लेने पड़ेंगे, राइट. फिर उसमें एसिड डाल दिया, या तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है. कोई भी एसिड आप दोनों में से यूज़ कर सकते हो. ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, यहाँ पे एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब. इस ग्लास ट्यूब को कॉर्क के बीच में से निकाला हुआ है ताकि अगर गैस प्रोड्यूस हो तो वो कहाँ जाएगी, बाहर इस ट्यूब के थ्रू. उसके बाद क्या किया हमने, अब हमने रिएक्शन नोट की इसकी, क्या हुआ. हमने देखा थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसमें से बबल्स उठ रहे हैं. वो बबल्स कौन सी गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के, और वो बबल्स यहाँ से बाहर आएंगे. तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हो रही है. आई एम एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन हेयर. यहाँ पर एक रिएक्शन है, ZN प्लस H2SO4 गिव्स, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. जिंक मोर रिएक्टिव है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है और इसके साथ खुद जुड़ रहा है. यानी ZNSO4 खुद बन गया और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया ऐसे, ठीक है. हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो गई यहाँ से. अब अगर मैं इसमें HCl एसिड डालती, ZN प्लस HCl, तब क्या करता, ZN फिर से Cl के साथ जुड़ जाता तो क्या बनाता, ZNCl2 जिंक क्लोराइड प्लस तब भी हाइड्रोजन गैस बनती, ठीक है. अब आप एक बात सोच रहे होंगे, यहाँ मैम तो लिख रही है H2 बट यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये 2 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर. इसको बोलते हैं बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को. हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कैसे बैलेंस करते हैं. मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी कि बैलेंसिंग मैंने कैसे की. ये गैस है इसलिए मैं यहाँ पर एरो का निशान लगा रही हूँ, तो आप भी यहाँ पर एरो का निशान लगाओगे, ठीक है. और ये Cl2 क्यों आया, देखो आपने 9th क्लास में सीखा था, ये जिंक है, क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, याद आ गया, राइट. आगे चलते हैं. उसके बाद आ रहा है केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है. इक्वेशन होता है उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूलाज. जैसे मैं अभी यहाँ पे ZN लिख रही हूँ जिंक को, मैं इंग्लिश में जिंक भी तो लिख सकती थी. अगर मैं जिंक वर्ड यूज़ करती हूँ, इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखती हूँ, तो वो केमिकल रिएक्शन है, पूरे पूरे नाम लिखना. लेकिन अगर मैं सिंबल्स यूज़ करूँगी यानी इस तरह से, अगर सिंबल ZN का ये, हाइड्रोजन गैस का ये, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है. ये केमिकल इक्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है. उसके बाद यहाँ आ जाइए, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. अब जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है, मुझे नहीं पता यहाँ पे 2 कैसे आ रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं दिया, तो ये स्केलेटल है, ये स्केलेटल रिएक्शन है. यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस नहीं किया अभी. अगर मैं इसको बैलेंस कर दूंगी तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अभी स्केलेटल है. तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट. उसके बाद है टॉपिक हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड. जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको कि यहाँ पर H एक ही है और यहाँ पर H 2 है. अगर मैं इसको बैलेंस करूँगी, अगर मैं यहाँ पर इसके अगर 2 लगा दूँ, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लूँ, तो मैंने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, ये 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, ये क्लोरीन के आगे भी ये 2, तो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 जिंक है, तो यहाँ भी 1 जिंक है. तो अब ये क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मतलब इस टाइम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रही है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था 9th क्लास में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. उसके बाद आगे आपको ये केमिकल बैलेंसिंग करनी सिखाई हुई है. जैसे ये तो ऑलरेडी देखो बैलेंस्ड है, इसमें जिंक 1 है, इसमें भी जिंक 1 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें S 1 है, इसमें भी S 1 है, इसमें SO4 है, इसमें भी O4 है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है उनको आपने नहीं छेड़ना, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड भी हैं और स्केलेटल भी हैं, दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है. अब मैं आपको एक और 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू बैलेंसिंग करना सिखा रही हूँ.